ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं नागपंचमी व्रत कथा पूजन विधि। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिनके सात पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गए, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक दिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गए। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गए। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्रभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और रानी पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है,
तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने शाहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। शाहूकार डर गया कि राजा न जाने क्या कहेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता दे उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त का समय है। नाग पंचमी का महत्व, हिंदू मान्यता के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी का व्रत करने से आपके सभी दुख दूर होते हैं। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग के चित्र को लकड़ी की चौकी पर रखें, फिर हल्दी रोली चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। उसके बाद कच्चा दूध घी चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें।